हमारे देश के विश्वविद्यालयों की हालत कितनी बदतर होती जा रही है और कुलपति किस तरह से अपनी गरिमा को खो रहे हैं, इसके कई उदाहरण पिछले दिनों सामने आए हैं। पिछले दिनों एक विश्वविद्यालय के कुलपति का तो यह भी बयान आया था जिसमें उन्होंने छात्रों से कहा था कि वे किसी भी मुसीबत आने पर निपट ले, मारपीट कर ले और हत्या भी कर ले तो भी वे उन्हें बचा लेंगे। इस बयान की सभी दूर आलोचना हुई थी। कुल मिलाकर अब विक्रम विश्वविद्यालय के एक अड़ियल कुलपति प्रोफेसर शील सिंधु पांडे के कई किस्से सामने आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। उन्हें किताब चोर भी कहा जाता है। जी हाँ, कुल मिलाकर पांडे के किस्से बेहद दिलचस्प हैं। पांडे पर विक्रम विश्वविद्यालय में सन 2016 में किताब खरीदी कांड की जाँच चल रही है जिसमे सारे सबूत पांडे के खिलाफ गणित और स्टैटिस्टिक्स, गणित के साथ ही अन्य विषयों के इस विद्वान प्रोफेसर से विश्वविद्यालय के लिए किताब खरीदी का हिसाब ठीक से मेंटेन नहीं हो पाया और उन्होंने अपने झूठे स्वभाव की वजह से गलतियां की और उपयोग किए गए स्टाम्प को ही दोबारा उपयोग में लाकर अपने कमीशन के चक्कर में पुरानी फर्म को किताब खरीदे का टेंडर दे दिया गया। यह पूरा मामला जब उछला तो आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार डॉक्टर मनोहर बैरागी ने तब आरटीआई कार्यकर्ता तथा पत्रकार डॉक्टर मोहन बैरागी ने इस पूरे मामले में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाली तब प्रोफेसर पांडे की असलियत सामने आई। इसके तुरंत बाद डॉक्टर मोहन बैरागी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग और विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री सहित राजभवन को इसकी शिकायत की गई जिस पर जाँच शुरू। लेकिन इसी बीच जाँच से असंतुष्ट होकर विक्रम विश्वविद्यालय के इस छात्र ने इस मामले में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर कर जिस पर कुलपति पांडे से जवाब मांगा गया, लेकिन कुलपति पांडे द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और उन्होंने अंततः अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि प्रोफेसर शील सिंधु पांडे अक्खड़ स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की छवि अपने कार्यकाल के दौरान पूरे देश में खराब, छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने का मामला या ऑनलाइन लिंक ओपन करने का मामला, विश्वविद्यालय का विभिन्न परीक्षा परिणामों की बात हो या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों से व्यवहार का मामला हो, पांडे को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होकर सिर्फ अपनी कमाई से वास्ता होता था और यही वजह रही कि विक्रम विश्वविद्यालय पूरे देश में बदनाम हो गया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।